तरफ इरादों वाली सरकार है तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ झूठे वादों वाले नामदार है। इन लोगों की तरह ही इनका घोषणा पत्र भी भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है, डकौसलों से भरा होता है और इसलिए उसे घोषणा पत्र नहीं डकोसला पत्र कहना चाहिए। साल 2009 में फिर इनका एक और डकोसला पत्र आया। पहले के वादे का क्या हुआ कोई जवाब नहीं दिया और उनके जो चेले चपाटे हैं उन्होंने भी कभी उनको सवाल नहीं पूछा। फिर 2014 का चुनाव आया और फिर एक वादा दोबारा दोहराया कि शहरों में 100% बिजली देंगे और गांवों में बिजली 90% तक पहुंचाएंगे। 4 में कहते थे सबको पहुंचाएंगे, 9 में कहने लगे कुछ छूट जाएंगे और न 4 में किया न 9 में किया न 14 तक किया। अरे भाई 2004 में जो वादा किया था उसके बारे में तो जरा बता देते। ये झंडे को जलाते हैं, उसका अपमान करते हैं, जो आपकी तरह जय हिंद नहीं लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं, जो विदेशी ताकतों के हाथों में खेलते हैं, जो हमारी विरासत का अपमान करते हैं, जो बाबा साहब आम्बेडकर जैसे मनीषियों की मूर्तियां तोड़ते हैं, ऐसे लोगों से भी कांग्रेस को सहानुभूति है। जो भारत के संविधान को, भारत के कानून के दायरे को नहीं मानते, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का जो कानून देश में है उसको खत्म करने का वादा ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप मुझे बताइए क्या देशद्रोह करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। हम बार बार आपके बीच आते हैं क्योंकि हमें मां भारती के कोने कोने से प्यार है, जन जन से लगाव है। कांग्रेस सिर्फ वोट के लिए, सत्ता के लिए आपको याद करती है क्योंकि वहां सिर्फ एक ही परिवार से लगाव है। कांग्रेस की ये नीति एक वोट बैंक बनाने की रही है, वो इसी वोट बैंक के लिए काम करती है। फिर चाहे उससे देश का नुकसान क्यों न हो, उससे अलगाव क्यों न पैदा हो,